अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके सामने कुछ पिक्चर्स चल रही हैं, ये सब पिक्चर्स मैंने एआई के थ्रू क्रिएट की हैं। जो भी कैरेक्टर मुझे मेरे जहन में आया है, मैंने उसको प्रॉम्प्ट देके उसको जिस तरह का भी मैं चाहता हूँ, जिस भी अवतार में मैं चाहता हूँ, जिस भी कैरेक्टर को मैं देखना चाहता हूँ, जिस भी सेलिब्रिटी को मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको आराम से क्रिएट कर रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम लोग अपने फेवरेट एक्टर्स या किसी भी तरह की पिक्चर को हम लोग कैसे एआई की मदद से फ्री में जनरेट कर सकते हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने लिखना है clipdrop.co। जैसे ही आप लिखेंगे इसको, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इस इंटरफेस को देख के आपने सबसे पहले यहाँ पे साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, आपने भी अपना जीमेल अकाउंट दे के आपने इसको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि इस तरह का होगा। अच्छा, अब इसके अंदर नीचे काफ़ी मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे ये स्टेबल डिफ्यूजन है, अनक्रॉप है, री इमेजिन एक्सेल है, स्टेबल डूडल है, क्लीन अप है, रिमूव। इन सब के बारे में मैं आपको बता दूँ, छोटा छोटा हिंट बता देता हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग सारी अपनी एआई जनरेटेड पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। अनक्रॉप के अंदर आप अपने इमेज को किसी भी फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। री इमेजिन के अंदर आप अपना इमेज को डिफरेंट वेरिएंट्स देके स्टेबल विजन के थ्रू इसको इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेबल डूडल है। क्लीन अप के अंदर आप अपनी एग्जिस्टिंग पिक्चर के अंदर अगर आप कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड के अंदर आप कोई भी अपनी जो पिक्चर की बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, और अगर कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम एआई पिक्चर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली चलेंगे स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पेज के ऊपर जो भी हमारे जहन में, जिस भी कैरेक्टर के बारे में, जिस भी एक्टर के बारे में, जो भी पिक्चर हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग उसके ऊपर आज काम करेंगे। तो लेट सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे, मैं प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के लिए कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, कुछ प्रॉम्प्ट करके दिखाऊंगा आपको, आप वो देखिएगा वो कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ कि देखते हैं कि ये पिक्चर्स हमें एआई की मदद से कैसी बना के देता है। फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, इलन मस्क पाकिस्तान में शलवार कमीज पहने पाकिस्तानी ड्रेस में है। तो देखिए कमाल की पिक्चर उसने हमें निकाल के दी हैं। एक पिक्चर इसने बीच में कोर्ट वाली भी निकाल दी है, और ज़बरदस्त बहुत कमाल पिक्चर्स निकाली हैं। तो चले हम लोग एक और प्रॉम्प्ट देते हैं। अब हम लोग इसमें लिखते हैं केट विंसलेट वेयरिंग इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस सिटिंग इन। मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें मैंने केट विंसलेट के बारे में लिखा है कि केट विंसलेट को हम लोग किसी मंदिर में देखना चाह रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, किसी भी किस्म की पिक्चर्स निकाल सकते हैं। बट रिमेंबर दैट ऑलवेज आपने हमेशा पॉजिटिव पिक्चर्स निकालनी है। एआई की मदद से हमने हमेशा पॉजिटिव काम करना है, हमने कोई नेगेटिव पिक्चर या कोई नेगेटिव काम एआई की मदद से नहीं करना। तो माई फ्रेंड्स, कमाल की पिक्चर्स निकाली हैं उसने केट विंसलेट की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अमेजिंग काम कर रही है। तो चलें हम लोग एक और एग्जांपल निकालते हैं। लेट्स सपोज मेरे जहन में आ रहा है कि विराट कोहली एज हल्क। तो देखते हैं क्या करता है ये। वाओ फ्रेंड्स, अमेजिंग। ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि विराट कोहली एज हल्क। तो देखें कैसे मस्कुलर और ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर उसने विराट कोहली की बना के मेरे सामने पेश कर दी है। ज़बरदस्त पिक्चर्स बनाई हैं उसने। चले हम लोग एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, और हम लोग प्रॉम्प्ट में लिखते हैं के सलमान खान एज सुपर मैन वॉकिंग इन इंडियन स्ट्रीट। मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट की देखते हैं पिक्चर्स एआई की मदद से कैसी निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था सलमान खान वॉकिंग इन स्ट्रीट। तो देखिए कैसी खूबसूरत पिक्चर्स उसने मुझे निकाल के दी हैं। देखते हैं, हम लोग एक और प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें हम सीखते हैं कि शाहरुख खान एज बैटमैन। जी फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था शाहरुख खान एज अ बैटमैन। तो देखें हैं कैसी खूबसूरत पिक्चर्स उसने मुझे यहाँ से निकाल के दी हैं, आउटस्टैंडिंग पिक्चर्स निकाल के दी हैं शाहरुख की एज अ बैटमैन। फ्रेंड्स, एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, जो रेसलर है रॉक, हम लोग उसको एज इंडियन मंदिर में हम लोग देखते हैं कि वो कैसा लगेगा। देखते हैं इस प्रॉम्प्ट को देख के जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था रॉक इन इंडियन मंदिर। तो देखें कैसी खूबसूरत पिक्चर्स उसने रॉक की निकाल के दी हैं मुझे मंदिर के अंदर। जी फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी चीज़ बताना आपको भूल गया कि जैसे ही आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे एक जनरेट है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इन मल्टीपल ऑप्शंस में जाके, यहाँ पे हम लोग जो पहले पिक्चर्स क्रिएट कर रहे थे वो नो स्टाइल में थी, किसी भी स्टाइल में आपको आ सकती थी।
अब मिसाल के तौर पे आप अपनी पिक्चर में एनिमी पिक्चर निकालना चाहते हैं या फोटोग्राफिक पिक्चर निकालना चाहते हैं या डिजिटल आर्ट में निकालना चाहते हैं, कॉमिक बुक में निकालना चाहते हैं, फैंटेसी आर्ट में, मतलब किसी भी ऑप्शन में जो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दी हुई, इवन 3D मॉडल में भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे फोटोग्राफिक निकाल रहा हूँ ताकि पिक्चर और अच्छी निकले। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फोटोग्राफिक कहा था और कमाल की अमेजिंगली उसने पिक्चर्स मुझे निकाल के दी हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि AI की मदद से हमने हमेशा पॉजिटिव काम करने हैं, हमने कोई नेगेटिव काम नहीं करना। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी चीज़ आप समझना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।